हाड़ोती में अलग अलग हुनरबाज कलाकार मिल जाएंगे। ऐसे ही कोटा के हस्तशिल्प कलाकार महेंद्र कुमार हैं, जो लकड़ी पर निखार रहे हैं राजस्थानी स्थापत्य कला शैली पर अपनी कला, जो नक्काशीदार लकड़ी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है। महेंद्र कुमार के राजस्थान के हेरिटेज इमारत को हूबहू लकड़ी और प्लाईवुड, हार्डबोर्ड और सागवान की लकड़ी का उपयोग कर देश और प्रदेश के धरोहर का मॉडल तैयार करते हैं। अब तक महेंद्र कुमार ने जयपुर का हवा महल, इंडिया गेट, क्लॉक टावर, ताजमहल, गुजरात का मोरबी का घंटाघर, मैसूर का ललित महल बना चुके हैं। अभी महेंद्र जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस बना रहे हैं। इनके अंदर बिल्कुल बारीकी से सुंदर नक्काशी के साथ कलाकारी करते हैं। कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट का भी मॉडल तैयार करेंगे। इनके द्वारा बनाए गए मॉडल को मेट्रो सिटी में काफ़ी डिमांड है। इनके द्वारा बनाए गए मॉडल मद्रास, कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर और भी कई बड़ी सिटी में जा चुके हैं। काम करते करते तो 20 साल हो चुके हैं मेरे को। ज़्यादातर हेरिटेज इमारतों के मॉडल बनाने का काम करता हूँ मैं, और जितनी भी अपने राजा महाराजाओं की, रजवाड़ों की जो बिल्डिंगें हैं उनके ऑर्डर वगैरह भी आ जाते हैं मेरे पास, और मेरा एक शौक भी है। तो बीच में तो मेरे सर्विस वगैरह करने लग गया था, फिर मैंने अपना सर्विस छोड़ने के बाद खुद का बिजनेस भी डाला हुआ है। तो कोरोना काल में जब दुकानें धंधे चौपट हो गए थे, बंद रहे 3-3 महीने तक, तो मैंने इस काम को वापस से शुरू किया। और हेरिटेज इमारतों में मैंने राजस्थानी महल, हवा महल, जयपुर का हवा महल, ताज ग्रुप का जो उम्मेद भवन पैलेस है जोधपुर का, वो ताजमहल आगरा का, लाल किला, और अभी इंडिया गेट भी बनाया है, मोरबी गुजरात का घंटाघर जो है, क्लॉक टावर जो आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार के मॉडल तैयार किए। ये दिखा दो थोड़ा सा। कहाँ जाते हैं आपके ये ऑर्डर, कहाँ तक? अभी मैंने कर्नाटक में भेजा है ऑर्डर, बेंगलोर भेजा, मद्रास भेजे, जयपुर भेजे, जोधपुर का भी तैयार कर रहा, अभी इंदौर का भेजेंगे। अभी ये बनाते हो तो बनाने में कितना खर्चा आता है आपका? कॉस्टिंग 25% कॉस्टिंग आ जाती है कम से कम। और कोई मॉडल तो 1 महीने में तैयार हो जाता है, कोई में 2-2.5 महीने लगते हैं। अभी हवा मेल बनाने में मुझे पूरे 6 महीने लगे। कितने तक? 30,000 की कॉस्टिंग। नाम बताओ। महेंद्र कुमार कसेरा।